पाठकः समागच्छन्ति सादरं निवेदयामि मान्या कुलपतिभिः वर्यैः सह सादरं आवाहयामि कृपया मञ्चं समलङ्कुर्वन्तु एवमेव विश्वविद्यालयस्य अधिष्ठातारौ डॉक्टर महेन्द्र उपाध्याय महोदयः अथ च डॉक्टर विनोद मिश्र महोदयः उभावपि कृपया मञ्चं अलङ्कुर्वन्तु प्रीतः प्रीत प्रमुख वचनं व्याहरामि विघ्नविघाताय कृतं मंगलम् अस्माकं भारतीय परंपरा वर्तते संप्रति अधुना साक्षात् दीप प्रज्वलनाय सर्वान् मंचस्थ विदुषाः संप्रार्थये कृपया दीप प्रज्वालनेन कार्यक्रमस्य शुभारंभः कुर्वन्ति इति रामो राजमणि सदा विजयते रामो रमे संभजे रामेणाभिहता निसाचर चमु रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम ममोद्धर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने के लिए मैं शोधक छात्रा श्रीमती विमला दीदी को आमंत्रित करती हूँ, वो आएँ और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। धन्यवाद। निनादेन वीणामये वाणिवीणां निनादेन वीणामये वाणिवीणां मृदुं गाये गीतिं मृदुं गाये गीतिं ललितनीतिली मये वाणी वीणां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसरशाला कलापह ललित को कलापह ललित को किला का किली निनादेन वीणा मये वाणी वीणां बहति मंदे मंदं समीरे सनीरे कलिन्दात्म जाया सवानीर तीरे नतां पंक्ति मालोक नतां पंक्ति मये वाणी वीणां ललित पल्लवी पाद पे पुष्प पुंजे मलय मारुतोश्चुंबिते मंजु कुंजे श्रवंतींत त्रीं प्रेच श्रवंतींत तीं प्रेच मलय मालिनी मये वाणी वीणां लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेन्दुश्च देकान् शलिलं सलिलं तवा कर्णवीणां नदीनां नदी निनादेन वीणा मये वाणी वीणां निनादेन वीणा मये वाणी वीणां। धन्यवाद।
बहु शोभनं प्रस्तुति धन्यवाद महोदयाः अतिथि देवो भव इस परंपरा का अनुपालन करते हुए अतिथियों के स्वागत के लिए सर्वप्रथम मुख्य अतिथिनाम स्वागतार्थम हिंदी विभागाध्यक्षाः डॉक्टर किरण त्रिपाठी महाभागाः संप्रार्थये कृपया माल्यार्पणेन अंगवस्त्र प्रदानेन च स्वागतं कुर्वन्तु इति डॉक्टर किरण त्रिपाठी महाभागाः हम सभी माननीय मुख्य अतिथि महोदया का करतल ध्वनि के साथ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। एवमेव कार्यक्रमस्य अध्यक्षाणां यशस्वी कुलपतीनां स्वागतार्थं शिक्षा संकायस्य अधिष्ठात्रीन डॉक्टर महेंद्र उपाध्याय वर्यान महाभागान सादरम अनुरुंधे कृपया माल्यार्पणेन स्वागतम कुर्वन्ति इति एवमेव शिक्षा संकाय अधिष्ठात्रीणां स्वागतार्थं डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी वर्यान निवेदयामि माल्यार्पणेन स्वागतं विदधन्तु इति डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी वर्यान् एवमेव मानविकी संकाय अधिष्ठात्रीणां स्वागतार्थं आदरणीय श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह वर्यान् निवेदयामि माल्यार्पणेन च स्वागतं कुर्वन्तु इति आदरणीय श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर प्रमिला मिश्रा मैम के स्वागत के लिए डॉक्टर संध्या पांडे मैम को आमंत्रित करती हूँ, वो आएँ और मैम का माल्यार्पण करके स्वागत करें। मंच में उपस्थित समस्त विद्वत्जनों के स्वागत हेतु स्वागत भाषण हेतु मैं डॉक्टर प्रमिला मिश्रा मैम को आमंत्रित करती हूँ, वो आएँ और अपने स्वागत भाषण के माध्यम से समस्त विद्वत्जनों का स्वागत करें। बहुत धन्यवाद। सुवर्णकूटम रजताभिकूटम माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटं अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। सर्वेषां स्वागतं। समागतानां मान्याः विदुषां सर्वेषां स्वागतं करोमि। अद्य संस्कृत महोत्सव कार्यक्रमे जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन समायोजितायां भारतीय ज्ञान परंपरा इति विषयमधिकृत व्याख्यानमालायां
समागतानां अतिथिनां वंद विदुषां स्वागतं व्याहरामि हार्दं हार्दं अभिनंदनं व्याहरामि। प्रथम तु परम पूज्यान् जीवन पर्यंत कुलाधिपतिं समर्चयामि वंदनामि। अहम् अध्यक्षं निर्वहता सन्ति मान्याः जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालयस्य मान्यमान्याः कुलपति भवताम् अस्मिन् अवसरे हार्दं हार्दं स्वागतं व्याहरामि अभिनंदनं वंदनं च करोमि। इदानीं अधिमंचं विराजमानाः मुख्य अतिथि रूपेण समागताः डॉक्टर उषा किरण पाठक वर्याः अहम् हार्दं हार्दं स्वागतं वंदनं च करोमि। इदानीं मंचे विराजमानाः सन्ति अधिष्ठाता द्वय डॉक्टर महेंद्र कुमार उपाध्याय महाभागाः डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र महाभागाः तेषां हार्दं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। उपस्थिताः सर्वे शिक्षिकाः छात्राणां कर्मचारिणः सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतं करोमि अभिनंदनं वंदनं करोमि। धन्यवादाः। भूरी सर धन्यवाद महोदया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में संस्कृत गीत की प्रस्तुति के लिए मैं संगीत विभाग की छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ, श्रुति कीर्ति शुक्ला एवं प्रियंका मिश्रा अपना संस्कृत गीत प्रस्तुत करें। हेलो 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 सागरम सागरीयम नमामो वयम सागरम सागरीयम नमामो वयम काननम काननीयम नमामो वयम काननम काननीयम नमामो वयम पावनम पावनीयम नमामो वयम पावनम पावनीयम नमामो वयम भारतम भारतीयम नमामो वयम भारतम भारतीयम नमामो वयम सागरम सागरीयम नमामो वयम सागरम सागरीयम नमामो वयम भारतम भारतीयम नमामो वयम भारतम भारतीयम नमामो वयम पर्वते सागरे वासमे भूतले पर्वते सागरे वासमे भूतले प्रस्तरे वागते पावनम संगमे प्रस्तरे वागते पावनम संगमे भव्यभूते कृतं संस्मरामो वयम् भव्यभूते कृतं संस्मरामो वयम् भारतं भारतीयं नमामो वयम् भारतं भारतीयं नमामो वयम् सागरं सागरीयं नमामो वयं सागरं सागरीयं नमामो वयं काननं काननीयं नमामो वयं काननं काननीयं नमामो वयं
पदम दैव सम्मानितं पावनं संपदं भारतं भारतीयं नमामो वयं सागरं सागरीयं नमामो वयं सागरं सागरीयं नमामो वयं ताननं काननीयं नमामो वयं ताननं काननीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं भव्यभूते कृतं पावनं संपदं भव्यभूते कृतं संस्मरामो वयं दैवसम्मानितं पावनं संपदं भारतं भारतीयं नमामो वयं काननं काननीयं नमामो वयं काननं काननीयं नमामो वयं काननं काननीयं नमामो वयं बहु शोभनं धन्यवादाः संस्कृत महोत्सव के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय व्याख्यान माला के आज के इस द्वितीय दिवस में हम सभी के मध्य मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में दयानंद महाविद्यालय मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की प्रधानाचार्य डॉक्टर उषा कनक पाठक महोदया को मैं उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। वह आएं और अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन करें। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमास्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं ब्रह्मनुनन्तु रूप परमादरणीय महाभाग अध्यक्ष प्रोफेसर पांडेय कुलपति जगतपुर राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूटम श्री महेंद्रनाथ उपाध्याय डीन जगतपुर राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूटम श्री लाल बहादुर विश्वविद्यालय डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र अधिष्ठाता मानविकी संकाय डॉक्टर प्रमिला मिश्रा संयोजिका उपस्थित देव्या एवं सज्जना विषय भारतीय परंपरा जयंतिते तपह पूता भारतीया मनीषिण एषा मनीषया नूनम जीवात ज्ञान परंपरा भारतीय ज्ञान परंपरा विचारणां कुर्वन्त वयं पश्याम यद् समस्त ब्रह्मांडस्य गतिविधीनां पूर्ण ज्ञानम् अस्माकं पूर्वजं मुनीनां कृते
प्रत्यक्षमासी विश्वस्य अन्येषु देशेषु यदा जना अज्ञान अंधकारे निमग्न मनसः आसन तदा सर्वान् जनान् बोधयन् अस्माकं देशे विश्व प्राचीनतमा ऋग यजु श्याम अथर्व नामधेया चत्वारो वेदा शिक्षा न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांतेति आस्तिक दर्शन शास्त्राणि चार्वाक जैन बौद्धेति नास्तिक दर्शन नानि उपनिषदः स्मृतयः सूत्राणि स्तोत्राणि धर्मशास्त्राणि पुराणानि कौटिल्य अर्थशास्त्रम रामायणम महाभारतम आर्यभटीयम बृहत् संहिताम पंचसिद्धांतिकाम आयुर्वेद चरक संहिता इत्यादि ग्रंथा भारतीय मनीषायाः ज्ञान प्राचुर्यम समुद्घोषयन्ति। अनंतरम वाल्मीकि व्यास भास भवभूत दंडी सुबंध बाण अश्वघोष आर्यभट्ट वाराहमिहिर कालिदास भारवी शूद्रक जयदेव माघ श्रीहर्ष प्रभृतयः कवयः लेखकाः गणितज्ञाः वैज्ञानिकाः नाटककाराश्च भारतीय ज्ञान परंपराया गौरवं वर्धयन्ति। द्वदमपि उल्लेखनीयं यद् भारतीय विज्ञान परंपरायां वैज्ञानिक शास्त्रम अंतरिक्ष विज्ञानम प्रौद्योगिकी वाणिज्य कृषि शिल्प नृत्य गीत संगीतादि क्षेत्रेष्वपि गति सर्वथा सिद्ध्यन्ति। किंचित् सुक्ति जन्नी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न च ब्रूयात् सत्यम प्रियं प्रियं च नामृतं ब्रूयात् एष धर्म सनातन इत्यादि उपदेशाः सकलं भारतं स्वयमेव अखंडता सूत्रे बंधुंतुं क्षमा किं बहुधा भवता समयं सीमा विचारयन्ति एका सद्यः स्वरचिता मिर्जापुरीया कज्जलिका गीतिः प्रस्तुतं कुर्वन्ति विरमामि। हे सखी आगत राम मुहूर्ते व्योमः अरुणिम अभवतरे हे सखी आगत राम मुहूर्ते व्योमः अरुणिम अभवतरे अरुणिम अभवत अरुणिम अभवत रे हे सखी आगते ब्राह्म मुहूर्ते व्योमः अरुणिम अभवत रे उदयति मिहिरो दृश्य सुरम्यः उदयति मिहिरो दृश्य सुरम्यः विदलति तिमिरो धरा प्रसन्ना विदलति तिमिरो धरा प्रसन्ना कृष्णो मेघो धावति गगने हृदयति आनंदम रे हे सखी आगत राम मुहूर्ते व्योमः अरुणिम अभवत रे हे सखी आगत व्याम मुहूर्ते व्योमः अरुणिम अभवत रे वहति समीरे मंदम मंदम वहति समीर मंदम मंदम प्रसरति परितः पुष्प सुगंधम प्रसरति परितः पुष्प सुगंधम विकसति कंज सरोवर मध्ये नैनयोः विरामं रे हे सखी आगत राम मुहूर्ते व्योमः अरुणिम अभवत रे बाला गच्छति जलमाने तुम बाला गच्छति जनमाने तुम मालाकार सिंचति पौधम
खगकुल कलरव वरदति नित्यं शिशव करोति निनादं रे हे सखी आगत ब्राह्म मुहूर्ते व्योम अरुणिम अभवत रे अरुणिम अभवत अरुणिम अभवत रे हे सखी आगत ब्राह्म मुहूर्ते व्योम अरुणिम अभवत रे दिनकर वर्षति दीक्षुच स्वर्णम दिनकर वर्षति दीक्षुच स्वर्णम आभा प्रसरति कनक किरण सम आभा प्रसरति कनक किरण सम सुकवि रचयति काव्यम रम्यम सुकवि रचयति काव्यम रम्यम जगत भवति प्रसन्नम रे जगत च भवति प्रसन्नम रे हे सखी आगत ब्राह्म मुहूर्ते व्योम अरुणिम अभवत रे व्योम अरुणिम अभवत रे व्योम अरुणिम अभवत रे जयतु संस्कृतम जयतु भारतम्। भूरिशः धन्यवादाः महोदयाः। त्रिदिवसीय व्याख्यान माला में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी माननीय कुलपति महोदय जी को मैं उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमो राघवाय। सबसे पहले तो मैं इस संस्था के संस्थापक जगतगुरु रामभद्राचार्य के चरण में अपने शीश नमन करता हूँ। मंचस्थ आदरणीय डॉक्टर उषा कनक पाठक, संकाय अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमार जी उपाध्याय, डॉक्टर विनोद कुमार जी मिश्र, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमिला मिश्र, संचालिका सुश्री गरिमा, सभागार में उपस्थित मेरे सम्माननीय सहयोगियों, छात्र छात्राओं एवं इस आयोजन में सहयोग देने वाले समस्त अपने लोग, संस्कृत मैं इसलिए हिंदी बोल रहा हूँ कि गुरुजी ने मुझसे कल कहा था कि आप हिंदी बोलिए, तो मैं गुरु की आज्ञा का बाद में पालन कर रहा हूँ। कल तो मैंने संस्कृत में चूँकि लिख के ले आया था तो हमने कहा आज लिख लिया है तो यही बोलेंगे, कल गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, तो आज मैं हिंदी में ही बोलूँगा। संप्रेषण की दृष्टि से भी कि लोक भाषा में बोल रहा हूँ, संस्कृत सप्ताह या संस्कृत त्रिदिवसीय या संस्कृत का हम पखवाड़ा हिंदी पखवाड़ा की तरह मनाते हैं, तो स्पष्ट रूप से है कि ये हमारे दैनंदिन दिनचर्या में ये नहीं है, हम कभी कभी मनाते हैं। और जब हम अपने जड़ को छोड़ते हैं, जब हम अपनी परंपरा से कटते हैं, तो चीज़ें ऐसी ही मनाई जाती हैं उसको केवल याद करने के लिए। कुछ दिनों के बाद पितृपक्ष आएगा, हमने संयुक्त परिवार छोड़ दिया, अपने पुरखों के आदर्श छोड़ दिए, तो अब हम पितृपक्ष मनाते हैं केवल 15 दिन पितरों को अपने पूर्वजों को याद करके इतिश्री समझ लेते हैं। संस्कृत के बारे में कल गुरुजी ने बोल दिया, अपना मंतव्य दिया, उस विषय पे
जो प्रस्तुति की वह एक रूप में समग्रता लिए हुए है। मैं कुछ लोक की बात कर रहा हूँ। कभी कभी संस्कृत के बारे में मैं सोचता हूँ कि ये भाषा आदि भाषा है, देव भाषा है। हमारे यहाँ के एक समय सुग्गे और तोते भी कादंबरी के बाणभट्ट में इसका उल्लेख है कि आश्रम में जब कोई बटुक या कोई छात्र वैदिक मंत्रों का गलत उच्चारण करता था तो तोते उसको टोक दिया करते थे कि तुम्हारा ये उच्चारण ऐसे नहीं है। बहुत सारे व्याकरणिक और द्वित्व से संबंधित वाचिक में टोकते थे तोते। जहाँ ऐसी परंपरा रही हो वहाँ संस्कृत क्यों आधे लोगों से नहीं बहुतों को होता कि भैया ये संस्कृत है, हम इस संस्कृत तो मुझे नहीं आती है। कुछ बातें मैं फुटकर में कह रहा हूँ, इसका विस्तार आप लीजिएगा। अभी हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर उषा कनक पाठक जी कजली सुना रही थी, संस्कृत में कजली। तो हमारे मिश्र जी और संगीतज्ञ यहाँ बैठे हैं, तो लोक साहित्य जो है कजली, लावनी, चैती, रेखता, बिरहा, जो छोटे छोटे गांवों में छोटे छोटे समूह में जो गाए जाते रहे हैं उससे हिंदी समृद्ध हुई है, उससे स्थानीय बोली, स्थानीय भाषाएं मजबूत हुई हैं। सारी चीज़ें अगर शिष्ट भाषाएं में आ जाएंगी तो वह आगे चल के विदेशी भाषाओं से भी आक्रांत हो जाएंगी। कहना मैं ये चाहता हूँ कि संस्कृत में कजली, लावनी, चैती, इस तरह के लोक प्रयोग होने चाहिए। जब तक कोई भाषा लोक में नहीं जीवित रहेगी तो वह साहित्य के स्वरूप को नहीं ले पाएगी। एक उदाहरण दूसरा दे रहा हूँ। गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके समुद्र में मिलती है, तो उसको गोमुख से या कहीं से भी, हरिद्वार से ही समझ लीजिए, हरिद्वार से गंगा सागर तक जाते जाते उसको बहुत सारी सहायक नदियाँ उसको समृद्ध करती हैं। अगर ये सहायक नदियाँ ना हों तो गंगा आगे चल के सूख जाएंगी। तो मुख्य भाषा में, मुख्य वार्ता में, मुख्य प्रयोग में अगर लोक प्रयोग नहीं होगा तो हमारी भाषा जो कि बहता नीर है, बदलते हुए परिवेश में बदलती है, मूल स्वरूप को लेते हुए वह नहीं रहेगी। जल के प्रवाह में कई स्तर होते हैं। पहला स्तर तो हमको दिखाई देता है मगर सातवें तल के स्तर को हम नहीं देख पाते हैं। चाहे जितनी भी भाषा बदल जाए, अगर भाषा प्रवाहमान है तो मूल भाषा अपने स्वरूप को नहीं बदलेगी। ऊपर मंदाकिनी में अभी कुछ गंदे पानी आपको दिख रहे हैं, बरसाती पानी, कुछ दिनों के में ये बरसाती पानी हट जाएगा, मूल जल उसका आएगा। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। बहुत सारे आजकल राष्ट्रीय राजमार्ग बन गए हैं, हाईवे, एक्सप्रेस वे। अगर उसकी कनेक्टिविटी जिलों से न किया जाए, शहरों से न किया जाए, तो पता चला एक गाड़ी फर्राटे भरते हुए चलेगी, आपको 50-50 किलोमीटर पर दूसरी गाड़ियाँ मिलेंगी नहीं, क्योंकि सबकी स्पीड 120 किलोमीटर होते हैं। तो बगल बगल में ऐसे आपको जैसे GT रोड हम लोग मानते थे, तो हर शहर से जुटता था। भाषा के संवर्धन में, भाषा के समृद्धि में ऊपरी परिवर्तन हो अगर होता है तो कोई बुरी बात नहीं है। मूल परिवर्तन करने वाले हमारे, मूल स्वरूप कायम रखने वाले हमारे साहित्यकार होते हैं। आश्चर्य होता है वाल्मीकि से लेके वेदव्यास तक की एक लंबी फेहरिस्त हमारी मुख्य वक्ता ने अभी सुनाया हमको। 50 के बाद, 1950 के बाद या 1920 के बाद आप किसी कवि का नाम पूछ लीजिए संस्कृत में, किसी कवि का नाम पूछ लीजिए कि संस्कृत का कौन महाकवि है, तो संस्कृत के एक भी महाकवि का नाम आपको नहीं होगा। अगर कुछ विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम में पाए हुए अध्यापकों का नाम आप दे भी दीजिए
कह भी दीजिए तो उसका उसकी एक भी पंक्ति कंठ में आपको नहीं मिले। कंठ में कविता होनी चाहिए, कंठ में उसका मैटर होना चाहिए। तो संस्कृत की आज ये दशा हो गई है कि मुझसे भी अगर कोई पूछे कि आज का संस्कृत साहित्य सबसे बड़ा साहित्यकार कौन है, तो मैं भी बहुत संकोच में बताऊंगा। वही संकोच होगा जो आज से 50 साल पहले संस्कृत के बारे में लोगों को होता था। पूछते थे आपने सब्जेक्ट्स क्या क्या लिया है, तो लोग पहले और दूसरे सब्जेक्ट्स में तेज़ी से बोलते थे इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, और धीरे से कहते थे संस्कृत। बहुत ही दीन दशा में बोलते थे लोग संस्कृत। तो आज भी मैं एक संस्कृत के किसी महाकवि का नाम लूँ वर्तमान में तो संकोच में लूँगा। मैं जानूँगा कि ये इस महाकवि का शिखर न कालिदास हो सकते हैं, न भारवि हो सकते हैं, न माघ हो सकते हैं, ऐसे कोई भी आज का साहित्यकार नहीं है। तो जब ऐसी परंपरा नहीं है तो फिर होगा क्या? हम और आप, यह विश्वविद्यालय केवल वही पाठ्यक्रम पढ़ाएगा जो पहले से बना हुआ है। हमारा कोई वैशिष्ट्य नहीं होगा। हम वेतन पाएंगे, हम सर्टिफिकेट बांटने की मशीन केवल रहेंगे। हमारा कोई विशिष्ट योगदान शिक्षा के जगत में नहीं होगा। स्केल अच्छा हो जाएगा, बिल्डिंग अच्छी हो जाएगी, मगर आपके पास कुछ अपना नहीं होगा। मैं फिर से संगीत की दुनिया को मैं नहीं जानता हूँ, मगर आज यूरोप में उसका मूल संगीत नहीं बचा है, सब गड्ढम गड्ढ हो गया है। तो संस्कृत को अगर आप इस विश्वविद्यालय के लोग प्राथमिकता में, प्रमुखता में अगर आप जाने जाएंगे तो संस्कृत से जाने जाएंगे। गुरु जी ने भी कल कहा कि संस्कृत इस विश्वविद्यालय के मूल आधार में है, इसका मूल स्वरूप इसका संस्कृत वाला होना चाहिए। संस्कृत अगर इसका मूल स्वरूप रहेगा तो दुनिया में हमसे पूछा जाएगा। कल एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। मेरे कल मुख्य अतिथि आचार्य मुरली मनोहर पाठक जी के साथ उनके भतीजे आए थे। ये व्यवहार में आपस में चूँकि बहुत अपने लोग हैं इसलिए ये हम उद्बोधन नहीं दे रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मुरली मनोहर पाठक जी का भतीजा आया था, वो लंदन से आए थे केवल गुरु जी से मिलने। मैंने यहाँ तुष्टि से समोसे मंगवाए। समोसे देखे, उन्होंने कहा मैं समोसा नहीं खाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहा इसमें प्याज पड़ा है। तो हमने कहा कि देखो प्याज इसमें नहीं पड़ा है, ये तुष्टि का है, यहाँ प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, तो एक नहीं दो खा लिए। अब लंदन में रहने वाला कोई व्यक्ति जो जन्म लिया है और अमूमन वो 35 से तो ऊपर रहे होंगे, उन्होंने कहा कि मैं एकादशी व्रत तो नहीं हूँ, बहुत दिनों तक रखा, मगर मैंने प्याज और लहसुन नहीं खाया। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं कौन कौन सा धार्मिक ग्रंथों का वाचन करता हूँ, तो अगर मेरे गांव का कोई आदमी, कोई पोंगा आदमी, हमारे जैसा आदमी अगर करे तो आप कहेंगे इसको खाने को नहीं मिलता है, कभी प्याज वाला जिस दिन लहसुन मिल जाएगा उस दिन भाग जाएगा, खाने लगेगा, मगर वो आदमी नहीं खा रहे हैं। हमारे बच्चे मैगी और पिज्जा या बर्गर, गुरु जी हमेशा इस चीज़ का नाम लेते हैं, खा खा के अपना स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। अगर संस्कृति हमारे मूल में नहीं रहेगी तो हमारे बच्चे पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे और जो भी चीज़ें हैं उससे मंगाएंगे, किसे, नॉन वेज वाला क्या है, एक उसका नाम भूल रहे हैं, संस्थाएं जो हैं आजकल वो बहुत सारे नाम याद हैं हमको, नाम बताओ ना, वो जहाँ से स्विगी वगी का आता है ना, तो नॉन वेज मंगाएंगे हमारे बच्चे और फिर मानसिकता भी उनकी वैसे ही बनेगी। फिर आप ये नहीं कह सकते कि बेटा हमारे हाथ में नहीं है, बेटी हमारे हाथ में नहीं है, पंखे से लटक रहे हैं, हमें पीट रहे हैं, बुढ़ापे में हमारा ख्याल नहीं रख रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले गार्जियन को, और दूसरी बात एक बात और बताऊँ, कल गुरु जी कह रहे थे कि एक रमापति जी को छोड़ के मैं
उम्र में सबसे बड़ा हूँ तो मैं भी यहाँ उम्र में सबसे बड़ा हूँ। मैं उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सत्य बोलूँगा, सच के अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये लाइन मैंने अपने अनुभव में देखा कि जो अध्यापक अपने पेशे के साथ न्याय नहीं करते हैं उनके बच्चे भी वैसे नहीं होते हैं, उनके बच्चों से भी समस्याएं होती हैं। अगर किसी पुण्य प्रताप से बच्चा निकल गया तो पोता नहीं ठीक होगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज हमारे यहाँ डैमेज जीन्स चलता है, डैमेज जीन्स पहन के हम आते हैं, टॉप पहन के आते हैं, वो आभूषण से कहीं आधुनिकता नहीं होती है। हम आभूषण से आधुनिक नहीं हो सकते हैं, हम विचारों से आधुनिक हों, हम वस्त्र से आधुनिक नहीं हो सकते हैं, हम विचार से आधुनिक हों। इसी देश में दो लोग जिसको आप लोग कहते हो कि आज बहुत महान हैं, द्रविड़ हमसे कमज़ोर हैं, अगर वैदिक स्वरूप संस्कृत और संस्कृति का स्वरूप और भारतीयता का स्वरूप आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि हम कितने पीछे हैं। अहंकार में हम कहेंगे कि नहीं नहीं हम सबसे आगे हैं। तो वहाँ की मूल चीज़ क्या है कि हमारी संस्कृति, हमारी सनातन परंपरा हम कायम रखते हैं। हम कहीं और जाएंगे तो कोट पतलून पहनेंगे, हम यहाँ आएंगे मगर कम से कम हम भारतीय संस्कृति के वेशभूषा इन स्वरूप को अपनाते हैं। तो संस्कृत भाषा केवल भाषा नहीं है, वह हमारे मन मस्तिष्क उसके उच्चारण से हमारे दिमाग की कैसे नसें खींचती हैं, मातृभाषा संस्कृत भाषा, उससे हम कैसे स्वस्थ रहते हैं, वह हमको आगे का राह कैसे दिखाती है, निराशा से हमको कैसे निकालती है, जहाँ आपका रास्ता बंद हो जाता है। संस्कृत साहित्य, गीता, रामचरितमानस, ये हमारे अंदर उद्बोधन करते हैं। मैं अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, नहीं तो कहेंगे कि यहाँ तो सब उपदेशक आ जाते हैं, दर्शन के लोग बैठे हैं यहाँ, एक लाइन तो हम जोड़ नहीं पाते हैं, एक लाइन दर्शन में हम डिलीट नहीं कर पाए हैं आज तक, केवल हम उसकी व्याख्या करते हैं। बैठे तो हैं दर्शन के आचार्य लोग, जो लिख गए हमारे आचार्य उसमें आज तक हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम भारतीय दर्शन के सिद्धांत में कोई एक लाइन या एक शब्द हम उसको डिलीट कर दें या एक कोई अपना नया शब्द जोड़ दें। वो कौन से ऐसे हमारे दार्शनिक थे जिन्होंने पूरा इतना बड़ा साहित्य लिख दिया? हमारी अगर हम अनुवाद के माध्यम से, अगर हम आचरण के माध्यम से कुछ लेखन नहीं करेंगे, कुछ कर्म नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण, मतलब देश जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ हम काम कर रहे हैं उसके साथ हम नहीं करेंगे। हम तो जी लेंगे मगर हमारी पीढ़ी को हम जहर दे के जाएंगे। संस्कृत के उद्बोधन का, संस्कृत सप्ताह का, संस्कृत के ये इस माहौल को सिर्फ इसलिए पैदा किया जाता है कि हम अपने गौरव को पहचाने और इस संस्कृत को जीवित रखने का काम यूरोप का नहीं है। यूरोप आज भी कहते हैं, यूरोपियन आज भी कहते हैं कि घबराओ मत, 50 साल के बाद कर्मकांड मैं सिखाऊंगा भारतीयों को, 50 साल के बाद संस्कृत भाषा का ज्ञान मैं दूंगा, 50 साल के बाद भारतीय संस्कृति पर व्याख्यान देने के लिए यूरोप के विद्वान बुलाए जाएंगे। ऐसी स्थिति न आए। हम अपने, चूँकि कुल का मुखिया हूँ, कुलपति हूँ, तो कुल का उद्बोधन तो करना ही करना है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ और विनम्र अनुरोध करता हूँ कि भाषा, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता को बचाए रखने का काम आपका है। प्रकृति को बचाएंगे तभी आगे जीवन होगा। मानसिक स्तर को सुधारने के लिए, उच्च करने के लिए संस्कृत दिवस और संस्कृत सप्ताह के आयोजन,
बहुत ही प्रासंगिक हैं। इस इन शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। ये उपस्थिति मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं उपस्थिति में कभी ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ उपस्थिति बोगस उपस्थिति हो। किसी को भूख लगी है, कोई मोबाइल खेल रहा है, हमारे पास तो हम मोबाइल इसलिए खेलते हैं कि हमारे पास ई ऑफिस चलाते हैं, कोई मैसेज आता है तो हम उसी मोबाइल पर चला देते हैं। मैं जितनी गंभीरता से आप लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वह सार्थक हो, इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजकों को धन्यवाद दे रहा हूँ, आपके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ और कामना करता हूँ कि आप संस्कृत सप्ताह को बिल्कुल सार्थक बनाएंगे, इसकी प्रासंगिकता को बनाए रखेंगे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम। धन्यवाद। भूरी सह धन्यवाद महोदय। आपने अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सभी को विभिन्न जानकारियां प्रदान करते हुए हम सभी का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं मानविकी संकाय के अधिष्ठाता महोदय डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र सर से निवेदन करती हूँ, वो आएँ और धन्यवाद ज्ञापन करें समस्त अतिथियों का। त्रिदिवसीय संस्कृत व्याख्यान माला के आद्वितीय दूसरे दिन की अध्यक्षता करें परम सम्मानी माननीय कुलपति जी। आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में हम लोग किस तरह से अपनी संस्कृति सभ्यता को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, संक्षेप में सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, संदेश दिया। हम इसके लिए सर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, संरक्षित रखें, इस पर मिर्जापुर दयानंद महाविद्यालय से आई मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर उषा कनक पाठक जी ने संक्षेप में ही बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन दिया। हम आप मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम में प्रारंभ से ही सहयोग प्रदान कर रहे शिक्षा संकाय के अधिष्ठाता डॉक्टर महेंद्र उपाध्याय सर का भी आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपका हमेशा हर कार्यक्रम में सहयोग मिलता रहता है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन के हेतु बहुत ही परिश्रम के साथ डॉक्टर प्रमिला मिश्रा ने शुरू से ही कलेब लगन के साथ आयोजन किया, हम उनको अभी आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अन्य सभी प्राध्यापक जो इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किए हैं, आज इस सभागार में उपस्थित हैं, हम आप सबका आभारी हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आप लोग का इस तरह से सहयोग मिलता रहे, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग सहयोग प्रदान करते रहेंगे। विश्वविद्यालय के उन सभी कर्मचारियों से छात्र छात्राओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जो इस प्रांगण में आज इस व्याख्यान माला में शांतिपूर्वक धैर्य से श्रवण किया, व्याख्यान को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य तकनीकी सहयोग कर रहे उन सभी कर्मचारियों का भी हम धन्यवाद देंगे जो कल से ही कर रहे हैं इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। माइक हम आप संचालक महोदय दे रहे हैं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं इस विश्वविद्यालय के जीवन पर्यंत महामहिम कुलाधिपति जी की रचना कुलगीत की प्रस्तुति के लिए संगीत विभाग की छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ, कुलगीत प्रस्तुत करें। श्रुति कीर्ति शुक्ला, प्रियंका मिश्रा। हेलो हेलो। विश्व के दिव्यांग जन का विश्वविद्यालय अनुपम चित्रकूट वन के दिव्यांग जन का कल्प भारत का विमल उत्त
अपनी जी अधिकार से दिव्यांग वंचित क्यों रहेगा, हो पराशित खिन्न मन अपमान जन का क्यों सहेगा, भावनाओं का करेगा राष्ट्रहित वह मधुर उद्गम विश्व के दिव्यांग जन का धर्म का विज्ञान से करके सतत शाश्वत समन्वय विश्व विद्यालय हरे दिव्यांग का संकट महाभय अब छिड़ेगा ग्रीष्म में मधु संगीत सरगम विश्व के दिव्यांग जन का सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान में हो पूर्ण शिक्षित धर्म संस्कृति राम कृष्ण दर्श गीता योग दीक्षित अब बनेंगे कर्म योगी हर निराशा का निविदतम विश्व के दिव्यांग जन का मंद को लुंज को कृति पंगु को गति मुख को दे वचन सृष्टि विश्व विद्यालय करे दिव्यांग जन को विगत संभ्रम विश्व के दिव्यांग जन का राम भद्राचार्य जिसके नित्य में कुलाधिपति है विश्व दिव्यांग भगिनी बंधु जिसके हम विश्व के दिव्यांग जन का विश्व विद्यालय अनुपम चित्रकूट वनस्थली में सुभग सारश्वत समागम विश्व के दिव्यांग जन का विश्व के दिव्यांग जन का विश्व के दिव्यांग जन बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेषां धन्यवादमस्ति नमो राघवाय।